नमस्कार दोस्तों, शान फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कुर्ती में बैक डिजाइन बनाकर दिखाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए एक चैन और कुछ एरे पट्टी। इसकी सहायता से हम आपको बैक डिजाइन बहुत ही सुंदर और लेटेस्ट डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। इसे दबने से हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकोगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए चलिए, अब हम आपको इसके कुछ मार्क और कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है इसके बैक का गला। ये बैक गला है जिसकी ब्रॉडनेस हम रख रहे हैं यहाँ से 4 इंच। 4 इंच हमने हाफ रख ली है, हमारी जो ब्रॉडनेस है वो आकर यहाँ पर 8 इंच हो जाएगी। और यहाँ पर हम नीचे ऐसे 3 इंच से ये 4 इंच हम ऐसे राउंड में घुमा लेंगे। ये हमारे गले का निशान है। अब देखिए, एक निशान हम यहाँ से ऐसे सीधे मार्क कर गले से ऐसे कमर तक हम ऐसे ले जाएंगे। ये हमारे कमर का निशान है, हम ऐसे ये कमर तक सीधा निशान ले गए। इसके बाद हम गले से नीचे ये 5 इंच का निशान लगाएंगे और 5 इंच का निशान लगाने के बाद ऐसे यहाँ से भी हमने 5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से भी, और इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। अब हमारी जितनी हमें चैन लगानी है, हमें चैन यहाँ से यहाँ तक 9 इंच चैन लगानी है। अब हम इसका भी निशान ऐसे हल्का हल्का उठा लेंगे और इन सभी निशानों को अब हम काट देंगे। ये हमने अपने गले की कटिंग कर दी है और ये हमारे जो गले के नीचे डिजाइन है उसकी कटिंग कर दी है ऐसे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर होगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिजाइन कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे। ऐसे हम यहाँ पर इसमें पाइपिंग लगाकर और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाकर आपको दिखाएंगे और इसमें जिप भी लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जहाँ जिप लगानी है वहाँ पर हम पाइपिंग निकाल लेंगे। इसे ऐसे पलट कर बैग को इसमें ऐसे हम नीचे और पट्टी रखेंगे और इसे हम ऐसे सिलाई करते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कपड़ा लगा लिया है, अब हम यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसमें हम ऐसे नाखून से बैठाकर इसे ऐसे पाइपिंग निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने पाइपिंग निकाल दी है, अब इसमें जिप लगा देंगे। ऐसे हमें यहाँ पर जिप लगा देनी है।
देखिए दोस्तों, हमने अपनी चैन लगा दी है। अगर आपको चैन लगाने में कोई भी परेशानी है तो आप सिंगल बूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिंगल बूट से चैन लगाई है। देखिए ये हमारा डबल बूट है, सिंगल लगा दिया है हमने, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर पाइपिंग निकाल कर आपको दिखाएंगे और पूरा डिज़ाइन तैयार करेंगे। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ये हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर पाइपिंग निकाल कर आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पाइपिंग यहाँ पर पाइपिंग का कपड़ा लगा लिया है। अब हम इसमें करीब 1 या 1.5 इंच दूरी छोड़कर कपड़े की यहाँ पर भी हम इतनी दूरी से निकाल लेंगे पाइपिंग। और इसके बाद ये कपड़ा हमने इसलिए छोड़ा है कि हम यहाँ पर ये कपड़ा हमारा ऐसे मुड़कर ऐसे आ जाए, ये कपड़ा हमारा मुड़ जाएगा और चैन जो हमारा ये लॉक है ये ऊपर नहीं निकलेगा। अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही पाइपिंग निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पाइपिंग निकाल ली है और इसके बराबर बराबर सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने एक पैर की सिलाई इसके आगे लगाई है ताकि हमारी जो कपड़ा है हमारा वो ना फट सके, और ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। दोनों तरफ से ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। इसे हमने यहाँ से पाइपिंग को ऐसे मोड़ दिया है। अब यहाँ से लॉक हमारा ऐसे लग जाएगा। अब हम आपको दूसरे पीस में भी पाइपिंग निकाल कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा गला है। पहले हमें गला आपस में ऐसे रख लेना है और उसके बाद हमें आमने सामने रख कर ये दोनों पीस जो हमारे डिजाइन के हैं इनमें ऐसे पाइपिंग निकाल लेनी है। देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों पैटर्न में पाइपिंग अटैच कर दी है। अब देखिए, ये हमने गले में भी लगा दी है और इसके बाद हम ये ऐसे, ये हमारा जो पीस है हम पहले इसमें ऐसे एक पैर का निशान लगा देंगे 1/4 इंच। और इसे ऐसे यहाँ पर रख लेंगे दोनों पीस को ऐसे, और यहाँ पर हमें अब सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें एक मेटल जिप लगा दी है और यहाँ पर पाइपिंग लगाकर हमने अपना डिजाइन तैयार कर दिया है। ये हमने स्लीवलेस बनाया है, इसे आप इसमें आप स्लीव भी लगा सकते हो। तो आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा दोस्तों ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमारी नई नई वीडियो देख सकोगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।